टुडे वी विल लर्न अबाउट डिविजिबिलिटी बाई 9 एंड 10। इससे पहले हम 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8 के बारे में सीख चुके हैं। जिन्होंने क्लास मिस कर दी थी वो प्रीवियस वीडियो देखकर सीख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन डिविजिबिलिटी बाई 9। इसके लिए भी वही करना है जो हमने 3 के लिए करा था, मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 675 एंड सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 6 + 7 + 5 इज इक्वल टू 18 एंड यू नो वेरी वेल दैट 18, व्हेन यू डिवाइड 18 बाई 9 यू गेट 2 एज अ क्वेश्चन, सो 675 इज डिविजिबल बाई 9। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, 673, सम ऑफ ऑल डिजिट इज इक्वल टू 6 + 7 + 3 इज इक्वल टू 16 एंड व्हेन यू डिवाइड बाई 9 यू गेट 1 एज अ क्वेश्चेंट एंड 7 इज अ रिमाइंडर, सो 673 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। मतलब वही है कि अगर हमारे पास रिमाइंडर आता है डिवाइड कर 9 से डिवाइड करने के बाद, तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा 9 से, और अगर रिमाइंडर नहीं आता है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 9 से। नाउ मूविंग ऑन डिविजिबिलिटी बाई 10। ये सबसे ईजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट डिजिट जिसे हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं, आपको चेक करना है, अगर वो 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो सकता है, अगर वो 0 नहीं है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। मीन्स लास्ट डिजिट शुड बी 0। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 710, सिंस लास्ट डिजिट इज 0, सो 710 इज डिविजिबल बाई 10। Now moving on, let's take another example, 715, and here you can see that the last digit is not 0, so 715 is not divisible by 10. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, बहुत आसान से टेस्ट थे हमारे दोनों। 9 के लिए सिर्फ आपको वही चेक करना है, यानी सम ऑफ ऑल डिजिट को चेक करना है, अगर वो 9 से डिवाइड हो सकता है तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 9 से। और 10 के लिए आपको सिर्फ लास्ट डिजिट दैट इज़ द यूनिट प्लेस को आपको चेक करना है, वो सिर्फ 0 होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा।